सब एवरीवन, मैं हूं एलेस्टोर्स मगर आपका और एक नए बॉन्ड के एपिसोड में। आई होप आप लोगों का दिन जो है वो अच्छा जा रहा है एंड आप सब लोग घर पे ही हो, सेफ हो एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए बाहर निकल रहे हो जस्ट लाइक मी। अभी मैं बाहर ही निकला हूँ मेरे घर के बाहर खाना कलेक्ट करने के लिए, लूटिंग की स्वॉर्ड है और उसके साथ साथ फायर रेस्पेक्ट। एंड अभी मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ शिप्स, पिग या फिर चिकन, जो भी मिल रहा है वहाँ पे मेरा बेस है। ओके एंड उसके साथ साथ जो है लामास को मार के लेदर भी कलेक्ट कर रहा हूँ, रिसोर्सेस जो है वो भी कलेक्ट कर रहा हूँ। तो यस, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लूट कर रहा हूँ, मैं जो भी कुछ मैंने ऑफलाइन जो भी कुछ काम किया है वो अभी बताने वाला हूँ। तो यस, मैंने अभी बेस जो है हमारा स्टार्टअप बेस वो बना लिया है, थोड़ा सा एक नया है वो बनाया है। जब तक हमारे डिलीवरी जो है, लास्ट वाला एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देखो, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक डिलीवरी जो है ऑनलाइन साइट जो है वहाँ पे हम लोग गए थे एंड एक मैप जो है वो डाउनलोड करने के लिए लिया था। उसकी डिलीवरी अभी तक आई नहीं है, देख लेते कब तक आती है। तब तक हमने जो है स्टार्टअप बेस बनाया है और ये चिकन है लास्ट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बेस पे। तो ये देखो हमारा, ओके उसके पहले ये जो क्रीपर जो है उसे मारते हैं। गन पाउडर के लिए थोड़ा सा ये है अभी, बिकॉज गन पाउडर नहीं मिल रहा। ओके ओके, आई थॉट वो फटने वाला था तो यस, अभी तक हमारे पास इलेट्रा नहीं आया, बट कोई बात नहीं, इलेट्रा आएगा, आ जाएगा। तो ये है हमारा बेस एंड चलो यार दिखा दो लोगों को क्या बेस बनाया मैंने तो ये देखो शेडर्स और ये टेक्सचर पैक लगाने के बाद जो है ऐसा, ये मेरा बेस जो है वो ऐसा है एंड ये दूसरा व्यू कोई बात नहीं, देख सकते हो वाइन्स और ये ऐसे मैंने लगाए हैं, लीव्स जो है लगाए बेस पे, थोड़ा सा अच्छा वाला बेस जो है थोड़ा सा अच्छा रहे स्टार्टअप बेस। और ये टॉप व्यू, टॉप टू बॉटम। तो चलो बकबक तो हो गई बहुत, अभी नॉर्मल जो है आप लोगों को बेस जो है इसके बेस के अंदर जो है इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ये है, चलो हम लोग जाते हैं अभी अंदर। तो ये देख सकते हो हम लोग अंदर आ गए हैं। तो ये देखो वेलकम टू होम, ये है हमारा सॉर्टिंग सिस्टम, सॉर्टिंग सिस्टम नहीं एक्चुअली स्टोरेज सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये है हमारा एंडर चेस्ट, ये है हमारा चेस्ट जिसमें मैं सामान रखता हूँ। और ये है हमारा मैप, देख सकते हो पूरा दो सर्कल्स जो है वो बन गए हैं अभी भी, मतलब काम चालू है हमारा, जो मेन बेस है उस पर काम चालू है हमारा। ये तो अभी स्टार्टर बेस ही है। तो यस, अभी नीचे जाके दिखा देता हूँ, नीचे जो है बहुत सारे ऐसे रूम्स जो है वो भी बनाए हैं मैंने ये वाले बेस पे। तो ये देखो यहाँ पे जो स्टोरेज सिस्टम है वो नीचे तक आया है लेफ्ट में, और यहाँ पे जो है मैं ब्रूइंग के लिए जो है मैंने बनाया है ये देखो। तो ये वाले जो है इसमें मैंने यहाँ पे सैंड रखा है। तो ऐसे ही पूरी की पूरी जो है जो भी कुछ सामान मैं कलेक्ट करते रहूँगा मैं यहाँ पे करने वाला। और यहाँ पे है हमारा एन्चेंटिंग टेबल विथ लैंटर्न, आई नो बहुत मतलब कॉजी, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट बेस है बट यस अच्छा है, ज़्यादा बनाने के लिए टाइम भी नहीं लगा है, बस रिसोर्सेज जो है आप लोग समझ सकते हो कैसे मैंने वुड जो है वो लगाया। तो अभी जाते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्राफ्टिंग टेबल एनविल एंड ऊपर जाने के लिए जगह है एंड यहाँ पे एक छोटी सी विंडो जहाँ से मैं बाहर देख सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बालकनी जो है वो भी डाले। ओके फिलेजर्स कहाँ से आते हैं यार कोई बात नहीं, उन्हें भी हम लोग मार देते हैं। बस पहले आप लोगों को बेस की टूर जो है वो करा देता, ऊपर भी लेके जाना है आप लोगों को, बट उसके पहले ये आप देख सकते हो ये जो रूम्स जो है वो एक मैंने एक नया ऐसा डिज़ाइन जो है बनाना चालू किया है। और ये इसके अंदर जो है मैंने बनाया हमारा बेड। और ये लेफ्ट में विंडो, रात हुई है कि नहीं वो देखने के लिए वो छोटी सी विंडो रखी है, सो दैट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये हमारा एनविल तो ये आ गए हम लोग टॉप पे। तो यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा बेस जो है बेस के आजू बाजू में जो देख सकते हो एंड इवन आप लोग ये भी चेक, तो ये है मेरा टेबल और यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। तो आप चेक कर सकते हो मैंने बहुत सारा बड़ा एरिया जो है वो क्लियर, ओके बेचारा ज़ॉम्बी मर गया और विलेजर अभी भी घूम रहे कोई, तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो मैंने क्लियर किया है। लाइक डर्ट ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा थे, इवन स्टोन भी था एंड एंडेसाइट था, तो वो सारा क्लियर जो है वो मैंने किया है एंड वो मैंने सब डाला है हमारे स्टोरेज जो है स्टोरेज सिस्टम है वहाँ पे डाला है। तो वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना सारा जो है ग्रास ब्लॉक्स जो है कितने सारे थे मैंने सिलेक्टर से निकाले थे एंड उसके साथ साथ स्टोन जो है वो भी मैंने कलेक्ट किया था। एंड आप यहाँ पे डर्ट ब्लॉक है, डर्ट ब्लॉक तो आई थिंक सो तीन जो है टोटल डबल चेस्ट भरे हैं एंड यहाँ पे कोबल स्टोन है जो हम लोगों ने आई थिंक सो पहले ही ला के रखे थे। तो यस बहुत सारा जो है मुझे बेसिक रिसोर्सेस जो है बिल्डिंग के ब्लॉक्स वो मुझे यहीं से मिल गए हैं। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं मेन हमारे काम पे, सारे के सारे जो अभी मैंने लूट करके आया हूँ मैं लूटिंग 3 के स्वॉर्ड से वो अभी मैं रख देता हूँ। तो यस जल्दी से मैं रख देता हूँ एंड हमारे जो दूसरा काम जो है वो आज हम लोग कर लेते हैं एंड वो है वुल्फी का नामकरण। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा था कि वुल्फी का नाम क्या रखना है, तो टोटल 77% लोगों ने जो है बोला है कि उसका नाम जो है वो स्कूबी रखो। तो चलो
अभी उसका नाम जो है हम लोग रखने वाले हैं इसको भी, बट उसके पहले मैंने और एक जो है सरप्राइज रखा है यहाँ पे देख सकते हो। तो डॉग हाउस जो है वो बनाया हमारे स्कूबी के लिए, तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो नीचे कारपेट एंड लेफ्ट में वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी जगह भी रखी है एंड कारपेट रखा है सो दैट वो बैठने के लिए उसे प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैंने वैसे बनाया है। तो चलो पहले नाम डालते हैं। तो ये हो गया स्कूबी नाम एंड अभी हम लोग जाने वाले हैं जल्दी से हमारे वुल्फी के पास एंड उसको नाम जो है इसके बाद से हम लोग बुलाने वाले हैं ऑल टाइम स्कूबी। तो यस हेलो स्कूबी, तो ये नेम टैग मेरा जो है आज के बाद आपका नाम जो है स्कूबी रहने वाला है तो ये देख सकते हो स्कूबी नाम जो है वो फाइनली दे दिया है नेम टैग से। एंड अभी उसके जो है हम लोग कॉलर का कलर जो है वो भी चेंज करने वाले, सो दैट ऐसे नहीं लगेगा कि वो मतलब उसे हम लोगों ने कैद करके रखा है। तो वाइट कलर देखते हैं, यस थोड़ा लग रहा है अच्छा, बट लाइट ग्रे कलर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके लाइट ग्रे कलर अच्छा लग रहा है, यस तो ऐसे भी नहीं लग रहा कि हमने ज़बरदस्ती उसे पकड़ के रखा है तो यस अभी स्कूबी जो है हमारे साथ ऑल टाइम रहने वाला है, अगर उसे जाना तो वो कभी भी जा सकता है, उसे मतलब कोई पकड़ के नहीं रखने वाला है। तो चलो स्कूबी आप लोगों को पहले हमें घर दिखा देता हूँ, यस वो आ रहा भी है बट ये ऐसे 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 उसके पहले उसकी एक फर्स्ट किल जो है हम लोग देख लेते हैं। या स्कूबी मारो इसे ओ भाई गॉड तो चलो जल्दी जल्दी से आने वाला है, यस आ रहा है आ रहा है। पहले तो बहुत नखरे करता था एकदम जब सेकेंड एपिसोड में मिला था, तो स्कूबी आर यू रेडी तो ये देखो ओके आ रहा है। ओके कैसा लगा सामने घर? व्हाट दूर क्यों जा रहा है क्या हुआ स्कूबी? हेलो कुछ तो प्रॉब्लम है लग रहा है। अच्छा नाम चेंज करना है क्या? ओके नेम टैग डालता हूँ। ओके ये साइन, नहीं ओके स्कूबी ने मतलब आई थिंक सो पहले ही बता दिया है कि जो प्रॉब्लम है वो करो। चलो कैमरा एंड साइन। स्कूबी का नाम जैसा ही रखा उसके लिए घर जैसे ही रेडी किया भाई। ये देखो ये भाई तेरा घर पक्का है आज से, चाहिए तो पूरा घर ले करके रखना। अभी पहले बैठ जा घर के अंदर जाना। ओके थोड़ा सा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा इधर से भी। ओके 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 यस तो थैंक्स अ लॉट फर्स्ट जो है वो लोगों को मार दिया है यार पिलेजर्स को, जैसे मैंने थोड़ा सा हिट किया चालू हो गए वो लोग So, चलो अभी मैं जाता हूँ थोड़े से घर में, थोड़ा सा काम जो है बाकी का वो भी करना है इसको भी, मैं बाद में मिलता हूँ। ऑल राइट तो सबसे पहले जो है हमारा जो बैड ओमेन जो है वो मैं निकाल लेता हूँ, बिकॉज मुझे दूसरे काम जो है वो करना है, वो है विलेजर्स के साथ। विलेजर जो है वो मुझे अभी ट्रांसपोर्ट करने हैं, जो मैंने पुराने हमारा बेस तो जा बेस जो था उसमें मैंने विलेजर्स जो है वो रखे थे ज़ॉम्बी विलेजर्स, उन्हें मैंने चेंज किया है एंड मुझे यहाँ पे लाना है। तो अभी चलो हम लोग जाने वाले अभी नेदर में। ऑल राइट तो अभी जा रहे हैं हम लोग नेदर में जल्दी से एंड सेम ट्रिक वही यूज़ करने वाले हैं, बोट्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं मेरे साथ, बोट्स एंड खाना जो है वो रेडी है। तो चलो अभी जाते हैं पहले नेदर में। ऑल राइट तो ये देखो है, ये है यहाँ पे इसके अंदर मैंने विलेजर्स को रखा है ये देखो, एंड ये विलेजर्स मैंने कहाँ से लाए तो उसका वीडियो जो है वो भी मैंने रखा है। तो ये देखो हमारे ज़ॉम्बी विलेजर्स हो गए विलेजर्स में चेंज तो एक एक करके अभी इन्हें लाना पड़ेगा, बहुत मतलब ये तो खतरनाक है, अगर थोड़ा सा भी अगर छोड़ देता हूँ तो डायरेक्ट ये लावा के लावा में जाके तैरना चालू करेंगे, ऐसे खतरनाक बनने। तो सारी जगह से एक बार तो कवर अप कर लेता हूँ तो रेट कहीं पे बाहर नहीं जाएंगे। तो यस मैं इनको लाता हूँ ओवरवर्ल्ड में, आप तब तक मज़े करो। चलो एक एक को जाना है, ओके एक गया दूसरा ओके एंड अभी मेरे जाने का टाइम। ऑल राइट ओके एक ही विलेजर है भाई, दूसरा कहाँ पे है भाई दूसरा? ओके 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 और भाई बोट में क्यों नहीं बैठे ये लोग? ओके एक तो बैठ गया। ओ भाई साहब ये विलेजर्स का यही प्रॉब्लम है, एक बैठता है तो दूसरा नहीं बैठता। ओके मैं एक काम करता हूँ, इन सबको मैं रखता हूँ
एकदम सेफली रख देता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑल राइट, तो मैंने दोनों के दोनों जो है विलेजर्स मैंने पकड़ के रखा है, एंड मैंने जो है बाकी कंटेनर जो है लाइक वॉल्स जो है वो भी डाल के रख दिए है, सो डैट वो लोग बाहर ना निकले एंड जॉम्बी विलेजर फिर से ना बने, बिकॉज वो ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। यस, तो इन्हें यहाँ पे रखा है एंड हमारा घर भी नज़दीक है, तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट जो है एपिसोड उसमें आपको पता चलेगा मैंने इन्हें क्यों लाया यहाँ पे। ऑल राइट, तो यस आज का वीडियो जो है हम लोग ख़त्म यही कर देते हैं, तो सनसेट भी हो रहा है एंड चलो ये मुझे एक हेल्प करो, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है आप लोग मुझे बता सकते हो इंटीरियर, बिकॉज मैं उसमें थोड़ा सा ख़राब हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ एंड स्क्रीनशॉट जो है मेरे डिस्कॉर्ड पे सर्वर पे दे दो, अभी तो हो रही है रात। तो यस, अगर आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया है तो आप जो है लाइक का बटन प्रेस कर दो एंड सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।